योग 21वीं सदी का एक ऐसा सब्जेक्ट, और योग 21वीं सदी में अचानक पूरी दुनिया को अपने तरफ ऐसे आकर्षित करता है, और उस चीज को लेके पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड से लेके पूरी दुनिया भारत की तरह अपनी नजरें लगा के बैठी हुई है। और योग का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग या योग के संबंधित जो अध्ययन है, स्टडीज हैं, वो चाहे सर्टिफिकेट हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो या मास्टर डिग्री हो या फिर पीएचडी हो, उसको करने के लिए पूरी दुनिया भारत को एक अपना बेहतरीन डेस्टिनेशन समझ रही है। तो आज इस होपकास्ट में हम योग के ऊपर ही बात करेंगे, और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो ये प्रोफेसर पीबी सुब्रमण्यम हैं, जो राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी देवप्रयाग कैंपस के डायरेक्टर हैं और जाने माने ज्योतिष शास्त्र के, एस्ट्रोलॉजी के बहुत बड़े विद्वान हैं। इनके सिद्धांतों पे भारत में ही नहीं अपितु पूरी वर्ल्ड में बातचीत होती है, और ये अलग अलग जगहों पे जाके अपनी व्याख्यान देते हैं, अपने स्पीच देते हैं। तो आइए हम अपने गेस्ट को स्वागत करते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में, आपने समय दिया। तो सवाल यहाँ से शुरू करते हैं, ये योग जो अचानक युवाओं से लेके बुजुर्गों तक में जो ट्रेंड में आया, इसका वजह क्या है? हम योग विज्ञान के सामान्य परिचय को छोड़ देते हैं जो सब जगहों में उपलब्ध है, और आज के समय में ट्रेंड में आया है इस बात को भी किनारे रखते हैं क्योंकि हमेशा ट्रेंड में रहा है। और आज के समय में हम में चेतना ज्यादा आ गया और हम समझने लगे हैं जीवन में इस प्रकार के तनाव चल रहा है, तो इन बातों को भी हमें किनारे रखना चाहिए। तनाव तो हमेशा था जीवन में, और आज के समय में हमारे समक्ष इन बातों को ले आने का जो माध्यम है सोशल मीडिया है, वो बहुत प्रबल हुआ है और दुनिया मुट्ठी में आ गया है, तो लोग समझ रहे हैं। मानव जीवन में तनाव तो हमेशा रहता ही है, तो हम योग विज्ञान को तनाव मात्र को बदलने का अथवा एक जीवन शैली को बनाने का एक साधन के रूप में ना लेते हुए, एक जो वो आयाम है जिसको लोग स्पर्श नहीं करते हैं उस पर चलते। पतंजलि योग सूत्र इस बात पे ज्यादा जोर नहीं देता है कि आप तनाव मुक्त रहने के लिए योग की ओर आओ। एक जीवन विधान है, एक जीवन शैली है, जहां पर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अपेक्षा कई गुना अधिक सामर्थ्य के साथ कार्य कर सकता है और अधिक गुणवत्तापूर्ण फल को दे सकता है जीवन में, और अधिक आनंदमय एवं संतृप्तिकर जीवन को जी सकता है। जो प्रगति है जीवन में उसको कई गुना ज्यादा उसका तादात्म्य को बढ़ा सकता है। तो हमें योग विज्ञान को उस दृष्टि से देखना चाहिए, केवल तनाव मुक्त होने के लिए योग विज्ञान, केवल चिकित्सा की दृष्टि से योग विज्ञान, केवल एक जीवन शैली के लिए योग विज्ञान, परंपरागत बनने के लिए योग विज्ञान, इन सभी बातों को किनारे रखकर मानव अपने सामर्थ्य से कई गुना ज्यादा सामर्थ्य के साथ काम करने के लिए, सानुकूल कार्य करने के लिए और समर्थ रूप से कार्य करने के लिए इस योग विज्ञान को अपना सकता है। जितना फैलाया जाता है बातें कि केवल ये इस कार्य के लिए है, इस कार्य के लिए है, वहां पर उस प्रकार से कोई बात नहीं है। एक समृद्ध जीवन शैली वो किसके लिए आवश्यक है? आज हम एक दिन में जितने कार्य कर पाते हैं, जितना भटक कर कार्य करते हैं, तो उससे कई गुना हम उत्पादकता हम में बढ़ा सकते हैं, वह योग विज्ञान से संभव है। योग विज्ञान प्रकृति से जुड़ने का एक साधन है और प्रकृति के साथ स्वयं को सिंक करने का एक साधन है, और प्रकृति के साथ जुड़कर सानुकूल फलों को बढ़ाने का एक साधन है, और संतुष्टि की एक मात्रा को बढ़ाने का साधन है, और आनंदमय जीवन जीने का एक साधन है, और उसको किसी आसन से, मात्र आसन से, अथवा उसको एक किसी मात्र प्रवचन से जोड़ नहीं सकते हैं। यह आध्यात्मिकता के साथ मिला हुआ, यहाँ आध्यात्मिकता किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं रखता है। एक आध्यात्मिकता प्रकृति से जुड़ने का, और एक आध्यात्मिकता हमको चलाने वाले उस शक्ति से जुड़ने का एक माध्यम मात्र है, और यह योग विज्ञान से ही संभव है। जो योग है, योग को एक पक्ष मानता है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कहता है कि ये साइंटिफिक प्रूफ
अप्रूव्ड सिस्टम है, इसको करना चाहिए। हमारे भारत में इसको पहले, या हमारे पास वैसे साधन नहीं थी, या हम उसको प्रचार प्रसार करने में कहीं ना कहीं फेलियर हो रहे थे, तो हम लोग इसको अध्यात्म से और अपनी संस्कृति से जोड़ दिए। तो क्या योग भारत से होते हुए जो विदेशों तक गया, तो क्या योग को पूरी दुनिया में फैलाने में वेस्टर्न वर्ल्ड का कंट्रीब्यूशन है या इंडियन नॉलेज सिस्टम का कंट्रीब्यूशन है, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो? यदि आप कहते हैं कि योग विज्ञान को पाश्चात्य जगत वेस्टर्न वर्ल्ड यदि ये सिद्ध कर दिया है साइंस, वह एक एस्पेक्ट है, वह एक पर्सपेक्टिव है। वास्तव में योग विज्ञान का जो वैज्ञानिकता है उसको हम भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्यों में, भिन्न भिन्न पर्सपेक्टिव्स में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स के तौर पे बताइए। हाँ, यहाँ उदाहरण के पहले एक छोटी सी बिंदु पे चलना होगा। ज्योतिष सभी जानते हैं और सभी इतना ही जानते हैं कि ज्योतिष में फलादेश होता है। विश्व में ज्योतिष जहाँ प्रारंभ हुआ वो काल साधन से हुआ, अर्थात टाइम रिकॉर्डिंग। और पंचांग भी सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में बना था, इसको अलग से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें टाइम का एक डिवीजन लिया गया है प्राण। टाइम के डिविजन्स चालू होते हैं प्राण से विनाडी, विनाडी से नाडी, और नाडी से दिन, और दिन से महीना, और महीने से वर्ष। अंग को कहां से लिया है कि एक स्वस्थ पुरुष के सांस लेने से लेकर सांस छोड़ने तक का जो समय है उसको प्राण लिया गया है। अर्थात बाहर की दुनिया, उसका विभाजन, समय का विभाजन एक व्यक्ति के सांस लेने से लेके सांस छोड़ने तक, फिर उसके बाद वहां की विनाडी, नाड़ी इत्यादि सब जो चल रहे हैं वो शरीर का कहीं ना कहीं शारीरिक जो निर्माण है, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे जैसे लोग बोलते हैं, जो पिंड ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है, तो इन दोनों का सामंजस्य है। उस सूक्ष्म आयाम तक व्यक्ति ना जाकर इसका वैज्ञानिक यह स्वस्थ रहा है, इसका यह रोग ठीक हुआ है, अथवा ये अपने मेधा को ज्यादा उपयोग कर पा रहा है, इत्यादि इत्यादि बात करके हम उसके वैज्ञानिक पैरामीटर्स को तय करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी बढ़कर, इन सब आयामों से हटकर एक महत्वपूर्ण वास्तविक वैज्ञानिक पक्ष इसका है, और इस दृष्टि में लोगों को एक शोध करना प्रारंभ करना चाहिए, एक अन्वेषण करना प्रारंभ करना चाहिए, और जिज्ञासा इस दृष्टि से उत्पन्न होना चाहिए। कुल मिलाकर इसमें एक अध्ययन मौलिक रूप से होना चाहिए, केवल जीवन को बदलने की नहीं। वास्तव में योग विज्ञान, जैसे मैं कह रहा हूं कि जिस समय में उसको विज्ञान का दर्जा जिस आधार पर दिया जा रहा है, वह एक आयाम है, केवल वह एक पर्सपेक्टिव है, एक दृष्टिकोण है। अच्छा, पिछले 2-4 सालों में ये देखने को मिल रहा है कि योग एंड वेलनेस सेंटर या बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं या अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अपने यहाँ योग को लेके क्लासरूम या डिपार्टमेंट बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये अचानक ये ट्रेंड कहाँ से आया? क्या पहले ये ट्रेंड को शुरू क्यों नहीं किया जा सकता था? क्या इसका उसको भी माने जो 21 जून को जो इंटरनेशनल योग दिवस को जो यूनाइटेड नेशन ने रिकॉग्नाइज किया, इसका भी असर है, या सिर्फ फाइनेंशियली बेनिफिट्स के लिए, मोटिव के लिए इंस्टीट्यूशन इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं? एनवायरमेंटल इंबैलेंस, प्राकृतिक पर्यावरण का असंतुलन, इस इंबैलेंस के कारण मानसिक और शारीरिक विकारों का तादाद में बहुत बढ़ गया। और अब चिकित्सा विज्ञान में निदान तो शारीरिक हो रहा है, मानसिक नहीं हो पा रहा है। इम्पैक्ट मानसिक रूप से बहुत दूर तक जा रहा है। परिवार का विघटन, समाज का विघटन, सब्र नहीं रख पाना, उद्विग्न होना, आक्रामक हो जाना, मारना, काटना, पीटना, ये जितने भी देख रहे हैं वह पर्यावरण में असंतुलन के कारण है, एनवायरमेंटल इंबैलेंस के कारण है। तो ये बढ़ना स्वाभाविक बात है। अब समाज ढूंढ रहा है कि इलाज कैसे हो सकता है, इन विकारों का छुटकारा किस माध्यम से प्राप्त हो सकता है। तो अपने टटोलने के इस स्वभाव में व्यक्ति अब इस विज्ञान की ओर आ रहा है,
किंतु वास्तव में इसके मौलिक जो स्वरूप है उसमें नहीं जा रहा है। केवल तनाव को कम करेगा, केवल इसको कम करेगा, इस प्रकार से ना लेकर इसके मौलिक सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत, वो प्राण से प्रारंभ होता है। प्राणायाम तो करते हैं तो उसको समझाने वाले बहुत तरीकों से समझाते हैं, किंतु वो जब तक आत्मानुशासन नहीं होगा, जब तक चित्तवृत्ति का निरोध नहीं होगा, हम मानसिक रूप से संतुलन बनाने की चेष्टा नहीं करेंगे, तब तक तो ऐसे कोई विधा नहीं है जो हमें संतुलन रख सकता है। तो उस संतुलन के लिए पर्यावरण का संतुलन, समाज का संतुलन और बढ़ता हुआ शहरीकरण का संतुलन, ऐसे बहुत ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत ऐसे कारण हैं जो मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। उन सबको छोड़कर, उन पर ध्यान ना देकर केवल योग विज्ञान कहने पे कार्य नहीं होता है, और वह पर्यावरण का संतुलन, प्रकृति का संतुलन, प्रकृति के विभिन्न अंगों में सामंजस्य, विभिन्न घटकों में सामंजस्य, ये भी योग विज्ञान का ही कार्य है। तो अर्थात एक विस्तृत आधार पर इसका, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर योग की अच्छी खासी नॉलेज हो लोगों के बीच में, जो इन्वायरमेंटल इम्बेलेंस्ड हो रहा है, जिसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब तरह तरह की बीमारी होना, फैमिली बिखर जाना, ये सारी चीजों को रोका जा सकता है, बिल्कुल तो योग को इस तरीके से समाज में क्यों प्रस्तुत नहीं किया, क्यों प्रेजेंट नहीं किया गया? सिर्फ योग को, प्राणायाम या फिर मतलब इस तरह के कुछ कुछ चीजें जो आसन है, पद्मासन, इस तरह के कुछ आसन या प्राणायाम तक ही सीमित रख दिया अभी गया। तक, अभी तक जो चल रहा है वह व्यापार की दृष्टि से, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं, हम जब जब इसको सामने ले आ रहे हैं तो उसको एक व्यापार के नजरिए से देख कर ले आ रहे हैं। जब जब हम इसका प्रसार प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो एक स्थान में एक व्यक्ति के समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ विस्तृत रूप जब ले रहा है तो व्यापार बन रहा है। यह व्यापार नहीं, एक व्यक्तिगत अनुपालन के रूप में जब होने लगेगा, वह तभी संभव है कि जब योग विज्ञान के मौलिक सिद्धांतों को आदमी जानने का प्रयास करे। नहीं, तो सरकार भी जब 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाती है तो उसमें एक पॉइंट है जिसपे बहुत जोर शोर से अभी काम चल रहा है, जिसका बहुत प्रचार प्रसार भी किया गया हर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करता है। और एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, आपको पूरा बोलता है कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उस पे काम होना चाहिए, और उस पे आज के जनरेशन के जो स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं उनके पास तक ये जितना इंफॉर्मेशन है या जो ज्ञान है वहां तक प्रेषित करने चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी तो इसमें आ गई, उसके बावजूद भी ये चीज जो अपना मूल स्वरूप है उस पे क्यों नहीं अमल कर पा रहा है? वह सूत्र है इंडियन नॉलेज सिस्टम, वह सूत्र है, वह किताबों का कोई एक समूह नहीं है, इट्स नॉट ए कलेक्शन ऑफ बुक्स, वह एक विचारधारा है। आपको भारतीय ज्ञान परंपरा के तहत अर्थात तो उस दृष्टिकोण में आना है जहां पर सर्वे भवंत सुखिनः, हाउ इट इज पॉसिबल, कब संतुलन सभी कोणों से हो, सभी प्रकार का संतुलन हो। भारतीय ज्ञान परंपरा किसी एक ग्रंथ के अध्ययन से नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा किसी एक पंथा के अनुसरण से नहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा किसी एक दृष्टिकोण से को लेके चलने से नहीं, वह समीक्षा करता है, प्रत्येक दृष्टिकोण को वह सम्मान देता है और प्रत्येक दृष्टिकोण में वह समीक्षा करता है, और समय के अनुकूल, स्थान के अनुकूल, व्यक्ति के अनुकूल जो सही हो सकता है उसका वो हिदायत करता है। तो यह भारतीय ज्ञान परंपरा है। वहां पर भारतीय ज्ञान परंपरा जो दिया गया है वो एक विस्तृत आधार को लेकर चलता है, एक विस्तृत अर्थ को लेकर चलता है। अच्छा, अभी ये देखा गया है कि भारत योग के लिए या योग का प्रशिक्षण के लिए या योग के स्टडीज के लिए पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा मतलब फेवरेट डेस्टिनेशन बनते जा रहा है, और चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, यूएस हो, या छोटे छोटे जो भी देश हो, सीआईएस कंट्री हो, हर व्यक्ति भारत में आके योग का ट्रेनिंग लेना चाह रहा है या योग के बारे में पढ़ाई करना चाह रहा है। तो ये वेस्टर्न वर्ल्ड का अचानक योग की तरफ झुकाव और उसके लिए भारत ही एक सबसे बेहतर डेस्टिनेशन बनना, इसके पीछे आप क्या समझते हैं? विश्व यह मानता भी है, यह जानता भी है कि समाज के हित करने वाले ये जो विधायक हैं वो भारत में जन्म लिए हैं, और हमेशा जब आदमी खोज करता है
तो उनके जन्म स्थान के ओर चलता है। यहाँ पर प्रश्न भारत की ओर जनता आ रहा है ये देखना नहीं है, यहाँ पर भारत की ओर जो जनता आ रहा है उनको वास्तव में उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उनके डिमांड्स हैं, वो कैटर हो रहे हैं कि नहीं, और उनको पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल रहा है कि नहीं, और उनको स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास चल रहा है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। नहीं तो ये दौड़ कभी समाप्त भी हो सकता है कि जब विश्व को यह महसूस होगा कि भारत में उस प्रकार का आधार नहीं मिल रहा है, जब इस पर किसी का अधिकार नहीं होता है और आपको हर स्थान पे, हर गली पे, माने एक एक केंद्र खुलने लगता है, तो उनका कोई सर्टिफिकेशन का एक विधा नहीं होता है, और जहां पर मौलिक रूप से उनमें योग विज्ञान में लिखे हुए बातों को ना जानते हुए भी जो ऊपर ऊपर से जो जानी हुई चीजों का प्रसार प्रसार होता है, तो ये धारा, ये जो प्रवाह, ये कभी अचानक रुक भी सकता है अथवा भारत के खिलाफ में भी हो सकता है। तो यहाँ पर प्रमुख बात यह है कि ज्ञान की आराधना अर्थात पढ़ाई, अध्ययन एक सही ढंग से चले, सही दृष्टि से चले, एक प्रामाणिकता के साथ चले और एक प्रामाणिक स्थान से चले, और उस प्रामाणिक स्थान में भी लोगों के आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए संवर्धन होता रहे। केवल मैं इतना नहीं कहूंगा कि किसी सरकारी संस्था में अथवा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में यह चल रहा है तो वह पूर्ण है, उस संस्था को भी समय के अनुकूल अपने में परिवर्तन करना होगा, अपने विचारधारा में परिवर्तन करना होगा, अपने विषय प्रस्तुति में परिवर्तन करना होगा, और उसको विभिन्न भागों में अंशकालिक छोटे छोटे बिंदुओं से लेकर छोटे छोटे अंतराल को लेकर प्रारंभ करना चाहिए, और बड़े अंतराल तक एक शोध को, अनुसंधान को जन्म देने की उस दृष्टि तक ले चलना चाहिए। नहीं, अब सवाल आता है, जैसे आपने बोला कि हर गली में, मोहल्ले में एक एक सेंटर खुला हुआ है जिसका सर्टिफिकेशन क्या हो किसी को पता नहीं है। इसके विरोध नहीं करते हैं, वहां पर भी अनेक ऐसे स्थान हैं, अनेक ऐसे स्थान हैं कि जहां पर व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, किंतु एक माने ऐसे मानक भी बनना चाहिए, स्टैंडर्ड्स भी ऐसे होना चाहिए कि जिससे व्यक्ति अपना सीखा हुआ, अपना जाना हुआ, कि वो सेल्फ सर्टिफाई भी कर सके। अच्छा, तो आजकल तो देख ही रहे हैं हर जगह से जो हो रहा है, तो योगा रिट्रीट हो रहा है, उसमें कई प्रोग्राम्स, मतलब वहां पे सेमिनार चल रहे हैं, कार्यशालाएं चल रही हैं योगा के ऊपर, देशों में भी, देश में भी। तो आपको लगता है कि जिस हिसाब से योग के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसको एक कंट्रोल करने के लिए मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो आने वाले में ये जो हमारी जो पुरानी परंपरा उभर के आई है, जो बच्चे से लेके बूढ़े तक इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके ऊपर खतरा हो सकता है क्या? और खतरा होता है तो किस तरह के खतरा हो गया? देखिए, एक समग्र स्वरूप होता है किसी चीज का। आप उदाहरण के लिए एक नारियल को लीजिए, नारियल के छिलका बहुत बड़ा इंडस्ट्री, नारियल का हार्ड मैटर जो होता है वो एक अलग इंडस्ट्री, नारियल में जो पदार्थ, जो टुकड़े आता है उसका अलग इंडस्ट्री, नारियल का पानी उसका अलग इंडस्ट्री, और ओवरऑल एक नारियल, माने समग्र रूप से समझना। यदि हम केवल नारियल के छिलके को बेच रहे हैं वो तो करोड़ों का बिजनेस है, और उसी को केवल नारियल से वही एक बेनिफिट है ये कहें नहीं चलता है। नारियल के पानी, फिर नारियल का तेल नारियल से ही निकलता है, तो अर्थात एक वस्तु यदि समग्र रूप से हम देखें तो उसमें शाखाएं उपशाखाएं बढ़ती हैं। योग विज्ञान में भी कुछ शाखाएं इतने ज्यादा प्रचलित हो गए और कुछ शाखाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो गए, और समग्र रूप से हम योग विज्ञान को ना देखते हुए हम उसको उसी दृष्टि से देख रहे हैं। वो कॉयर इंडस्ट्री, तो हम समझ रहे हैं कि नारियल मतलब केवल कॉयर इंडस्ट्री, वो एक पार्ट है, वो एक आयाम है, इसके अलावा दूसरा भी ऑयल इंडस्ट्री है। एक चीज मुझे बताइए, जो 21 जून 21 जून को जो इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशन ने, उसके बाद दो सवाल उठा कि भारत में एक ऐसी सरकार आई जो इस चीज को जोर शोर से पूरी दुनिया में लाना चाह रही है, ये पक्ष तो सबके बीच में है,
मैं आपसे जानना ये चाहूंगा कि जो 21 जून उसी दिन योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे का कंसेप्ट क्यों आया और कहां से आया? एक चेतना है, ये है 21 जून को जो इसको प्रारंभ किए हैं उसको कुछ देर के लिए किनारे रखते हैं। दीपावली क्यों मनाया जाता है? तो दीपावली जब मनाया जाता है तो दिया बेचने वाले का एक आयाम है, तेल बेचने वाले का एक आयाम है, रुई का एक आयाम है, पटाखे का एक आयाम है, कपड़े का एक आयाम है। और किस समय में प्रारंभ हुआ दीपावली मनाना, तो हम कथाएं बताते हैं। और समाज को एक समयबद्ध रूप से, मैंने समाज को एक प्रोत्साहन देने का, एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का, इसको एक आयाम मान सकते हैं। तो इसी प्रकार से जब तक आप एक सामाजिक चेतना नहीं ले आएंगे, सामाजिक भागीदारी नहीं ले आएंगे, कोई भी विषय लोगों के हृदय तक पहुंच नहीं सकता है। तो वह एक सिक्का है, वह एक ऐसे घटना है 21 जून का, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी इसको विश्व योग दिवस बनाने में जो सफल हुए हैं, उसके पीछे एक भारत का अटूट परंपरा है। हम जिस तरीके से नवरात्रि, जिस तरीके से दीपावली, जिस तरीके से गणेश चतुर्थी, उन सबको मना रहे हैं, तो वहां पर करोड़ों लोगों को हमें बताने की आवश्यकता नहीं होता है। कोई गणेश चतुर्थी को एक रूप से देख रहा है प्रकृति से जुड़ने का, कोई पत्री से की दृष्टि से, और कोई मिट्टी के रूप से, और किसी ने 9 दिन व्रत रखने की दृष्टि से जैसे देखता है। किंतु एक बार लोगों को प्रेरित तो किए, एक सामूहिक प्रेरणा, एक एक को बताने से नहीं होता है। तो अब सब जानते हैं कि एक विश्व योग दिवस भी है, तो फिर 10 में से 1 को यह भी चेतना हो सकता है कि आखिर हम क्यों मनावे, आखिर योग विज्ञान क्या है, फिर इस योग शब्द कहाँ से आया है, और कितने प्रकार से इसका मार्केटाइजेशन हो रहा है, और कितने प्रकार से इसका प्रयोग कर रहे हैं। यदि 100 में 1 भी यदि सोच रहा है और उस इंडस्ट्री में जा रहा है, तो एक सफलता है। केवल सरकार हमें एक रोजगार दे, ये सोचने की दृष्टि छोड़कर, जहां आप उदाहरण के लिए हमारे योग नगरी में 5,000 से ज्यादा स्टूडियोस हैं, योगा स्टूडियोस, और आप आज के समय में जहां जाइए वहां पर योगा स्टूडियो मिलता है, और जो सीख रहा है वो ये बात कही नहीं रहा है कि मुझे रोजगार उधर से चाहिए, वो 10 लोगों को सिखाने में लगा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा माने एक प्रेरणा है, और उस प्रेरणा के पीछे भारतीय ज्ञान परंपरा है। भारत में हर एक विषय को सामाजिक रूप से ग्रहण, नदी स्नान कीजिए, जो बाहर निकला ही नहीं है। आज के समय में भी हम उदाहरण देख सकते हैं कि नदी स्नान करने से किनारे में एक डिब्बा बेचने वाला, एक ट्राला चलाने वाला, एक यातायात व्यवस्था करने वाला, एक कपड़ा बेचने वाला, और एक वहां पर रहने की होटल इंडस्ट्री को देखने वाला, तो एक कुंभ चलता है, अथवा एक नदी किनारे एक त्योहार होता है। तो एक सामाजिक चेतना है जो परंपरा दिया हुआ है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इंसान को घरों में बांधा नहीं है। मतलब हम लोग की गलती ये हुई कि जो हमारे आस्था या धर्म या विश्वास के साथ जितनी चीजें बनाया गया, जितनी चीज अभी समाज में चल रहा है, वो हर चीज को लेके चल रहा है। आपके स्वास्थ्य से लेके चल रहा है, आपके मॉनिटरिंग चीजों को लेके चल रहा है, वहां पे कई लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन हम लोग फेलियर हो गए। एक शब्द में वो वैश्विक संतुलन, माने ये यूनिवर्सल बैलेंस बैलेंस कर रहा है, लेकिन हम क्या हम लोग उसको बताने में, या समाज के जो ये पिछले कुछ सालों से जो बच्चे डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रहे हैं, बताने में असक्षम हो गए, समझा पाने में असक्षम हो गए कि हमारी परंपराएं में सारी चीजें हैं, तुमको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, हम स्वयं को पहचानने की जो क्षमता है वो खो गए हैं। अगले को ये समझाने में हम असफल हुए हैं कि तुम जहां पर दौड़ लगाए हुए हो, वास्तव में स्वयं को पहचानो, प्रकृति को पहचानो, तुम्हारे दायित्व को पहचानो। हमारी गाथाएं जितने भी पुराण हैं, वो ये हमेशा कहते आ रहे हैं कि आप अपने दायित्व को समझो। हम अब दायित्व भूल गए हैं। अब माता पिता के लिए हम एक सर्वेंट रख लेंगे, यदि एक पिता होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते, एक समाज के अंग होने के नाते, एक राष्ट्र के अंग होने के नाते, मेरा क्या दायित्व है? हर जगह हमें मेरी समान भागीदारी है कि नहीं? प्रकृति के प्रति मेरा भागीदारी है कि नहीं?
इस समाज में संतुलन लाने में, पर्यावरण में संतुलन लाने में और साथ जीने के प्राणियों में संतुलन लाने में, कि मेरे दायित्व को मैं पूरा कर पा रहा हूं कि नहीं, इस प्रकार के प्रश्न करना व्यक्ति भूल ही गया है और हम करिकुलम से इन बातों को बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। तो अब इसी प्रेरणा को ले आने की एक बहुत बड़ा एक उद्यम है, एक आयाम है भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा कोई किताबी पढ़ाई नहीं है, अब भारतीय ज्ञान परंपरा का वास्तविक धरा है व्यक्ति को स्वयं को पहचानना और व्यक्ति को अपने दायित्वों को समझना और समझाना। भारतीय ज्ञान परंपरा, आप राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो देवप्रयाग उत्तराखंड में जो कैंपस है, परिसर है, उसके डायरेक्टर भी हैं, और आपने अपने ही कार्यकाल में, टेन्योर में, वहां पे योगा का क्लासेस भी शुरू करवाया, जिसमें सर्टिफिकेट भी है, डिप्लोमा भी है, ग्रेजुएशन भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है। तो ये कोर्स जो आपने रन करवाया वहां पे, और इस डिग्री के नाम मेरे ख्याल से बीएससी योगा या नेचुरलपैथी ऐसे करके है, एमएससी योगा है, तो ये आपके दिमाग में कैसे आया कि यहाँ पे इस कैंपस में ही खोलते हैं? उसके राष्ट्रीय मतलब केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटीज के तो कई कैंपसेस हैं, वहां पे ना खुल के आप अपने यहाँ ही इसका मतलब शुरुआत क्यों किया? ये इनिशिएटिव कहाँ से आपके दिमाग में आया कि यहाँ पे एक योग का केंद्र होना चाहिए? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के जो 12 परिसर है देश के विभिन्न कोनों में, उनमें से देवप्रयाग का एक अलग स्थान है और वह योगनगरी के साथ में भी है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर है। और यहाँ पर योग विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, योग विज्ञान के वास्तविक रूप में अध्यापन करने के लिए ये जो पहल है ये हमारे माननीय कुलपति जी का है और उनकी दूरदृष्टि है। समाज में अनेक जगहों में योग विज्ञान के सेवाएं चल रहे हैं, किंतु उसको एक शैक्षिक संस्था में एक प्रामाणिकता के साथ ले आने का ये पहल हमारे माननीय कुलपति जी का है और उसमें हम लोग एक एक टूल के रूप में, एक साधन के रूप में कार्य करते हैं। यह दूरदृष्टि कुलपति जी का है और प्रकृति से हरा भरा देवप्रयाग इस कार्य को पूर्ण कर सकता है, ये उनका अटूट विश्वास था। और उन्होंने सन 2023-24 का जो शैक्षिक सत्र में इसको वहां पर प्रस्तुत किए, प्रारंभ किए और उनके योजनाओं के अनुरूप, उनके विचारधाराओं के अनुरूप और उनके आशाओं के अनुरूप, उम्मीदों के अनुरूप ये फलता फूलता आज वहां पर छात्र देश के चारों कोनों से प्रवेश लिए हुए हैं और उसकी साधना कर रहे हैं। और यह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का एक नया पहल है और उस नया पहल के पीछे नई शिक्षा नीति है और उस नई शिक्षा नीति में जो भारतीय ज्ञान परंपरा को जो आधारशिला माना है उसको हूबहू इम्प्लीमेंट करने का कार्य करता है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से तत्पर है भारतीय ज्ञान परंपरा का जो दृष्टिकोण है, जो आयाम है, उनसे लोगों को परिचय कराने का। ठीक है, तो अब जब इंस्टीट्यूशन में एक केंद्र बन जाता है, एक सेंटर बनता है, उसमें एडमिशन के भी प्रोसेस होते हैं, और योग एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट बन चुका है, पहले भी था, लेकिन आप काफी जोर शोर से इस पे बातचीत होती है, तो जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा? आज जो फॉरेनर्स हैं, जो वहां से फॉरेनर स्टूडेंट्स हो या कोई भी फॉरेनर्स यहाँ पे आके, कोई भी विदेशी यहाँ पे आके अगर आपके देवप्रयाग कैंपस में योग की पढ़ाई करना चाहता है या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है, अलग अलग कोर्सेज हैं, उसके एडमिशन प्रोसेस कैसे होते हैं? भारत में जो विश्वविद्यालय हैं उन सबका नियामक होता है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी। यूजीसी के जो भी नियम होंगे वो प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होते हैं, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पर भी लागू होता है। सीयूईटी आज के समय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कहिए, तो उसके तहत यह प्रवेश होता है।
और यहाँ पर विदेश के छात्रों के लिए। तो सीयूटी मतलब यूजी और पीजी के लिए, सीयूटी यूजी वो अगर बच्चा क्वालिफाई करता है मेरिट में आता है, इंडियन बच्चों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तब उसका बीएससी योगा में हो जाएगा, या सीयूटी पीजी क्वालिफाई करता है तो एमएससी योगा में हो जाएगा। सर्टिफिकेट डिप्लोमा के लिए सीयूटी उसमें केवल जो मिनिमम क्वालिफिकेशन हैं, जो अर्हताएं रखी गई हैं, वो रहना चाहिए व्यक्ति के पास, कोई भी प्रवेश ले सकता है, उसके लिए कोई ऐसे एंट्रेंस नहीं है। और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए इसके लिए हमारे एक इंटरनेशनल अफेयर्स कमिटी मुख्यालय में बना हुआ है, मतलब मुख्यालय मतलब जो आपका हेडक्वार्टर जनकपुरी में दिल्ली में वहां पर बना हुआ है, और वहां से समय समय पर नियम बनते हैं, और जिस प्रकार से डिमांड होता है, जिस प्रकार से लोगों की इच्छाएं होते हैं, आकांक्षाएं होते हैं, तो ये एनईपी के तहत है। अब हमें ऐसे आवश्यकता नहीं है कि हमें एक 2 साल अथवा 3 साल या 4 साल का यह एक कोर्स है आपको पढ़ना ही है, इस प्रकार से नहीं। छात्र कभी भी प्रवेश ले सकता है, कभी भी निकल सकता है, एनी टाइम एंट्री एंड एनी टाइम एग्जिट, और सहूलियत ये भी नेशनल एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से ही पॉसिबल हुआ। तो एक सहूलियत देना है, कोई पढ़ नहीं पा रहा है या कोई कुछ ब्रेक लेना चाहता है, गैप लेना चाहता है, तो उस दृष्टिकोण से विश्वविद्यालयों को कुछ अधिकार मिले हुए हैं। जैसे डिमांड होता है, जिस प्रकार का रुचि रखता है, उसी प्रकार का यहाँ पर अंशों को कैटर करने के लिए विश्वविद्यालय तत्पर हैं। नहीं, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, जो यूजीसी की बातचीत हुई, यूजीसी ही उसको रूल करती है, उसी को गवर्न करती है, उसी के रूल से चलते हैं। तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रूल से है कि अगर कोई भी फॉरेन नेशनल, चाहे वो इंडिया से प्लस टू किया हो या अपने देश से किया हो, या उसमें एनआरआई भी आ जाते हैं, ओसीआई भी आ जाते हैं, वो यहाँ के जो सीयूटी पीजी है या सीयूटी यूजी है उससे एग्जम्प्टेड होते हैं। आपको किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। अगर सीट से ज्यादा नंबर में अगर स्टूडेंट आ जा रहे हैं तो वहां पे यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार है कि आपका इंटरव्यू कंडक्ट करें, और उसमें से जितने सीट्स है उसके लिए उतना ही सीट्स पे एडमिशन प्रोवाइड कर सके। और आपके यहाँ ये यूजी नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूजी को 4 ईयर्स कर दिया गया है, और मेरे ख्याल से इस साल से मैक्सिमम सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जितने हैं 4 ईयर्स कर दिया है। तो आपके यहाँ जो बीएससी योगा है, ये 4 ईयर्स प्रोग्राम या 3 ईयर्स? नहीं, ये वर्तमान में 3 वर्षों का है, और उसमें समय के अनुसार इसमें परिमार्जन होगा। वर्तमान में यह 3 वर्ष का है, और जो एमएससी 2 वर्ष का है, और पीजी डिप्लोमा 1 वर्ष 2 सेमेस्टर का है, मतलब 1 साल का। और आपका ये सर्टिफिकेट जो कोर्स चलते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स 3 महीने से प्रारंभ है, मतलब मिनिमम 3 महीने, और इसके अलावा क्रैश कोर्सेस माने 15 दिन या 1 महीना अथवा एक शॉर्टर मॉड्यूल में चलाने का एक अधिकार विश्वविद्यालय अपने पास रखता है, और उसका भी प्रयास चल रहा है। नहीं, मुझे ये समझाइए कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं सर्टिफिकेट कोर्स में और क्रैश कोर्स में, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सर्टिफिकेट कोर्स कुछ अर्हताओं को देता है, आगे की पढ़ाई को, सर्टिफिकेट करने के बाद डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद पीजी डिप्लोमा इत्यादि करने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है, रास्ता बनाता है। क्रैश कोर्सेस में किसी अन्य विधा का, डिफरेंट स्ट्रीम का जो छात्र किसी एक अंश को जानना चाहता है और उसको अपने स्ट्रीम में इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, उसको पूरे विज्ञान से मतलब नहीं है, वो एक पर्टिकुलर पार्ट है, पर्टिकुलर स्ट्रीम है, पर्टिकुलर एक विधा है, तो वो जानना चाहता है, तो उसको स्किल एनहेंसमेंट में माने अपना स्किल बढ़ाकर अपने क्षेत्र में लगाना चाहता है, तो वो उसको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट कोर्स करूँ, मैं एक डिग्री लूँ उसके साथ चलूँ, ऐसे नहीं होता है। मतलब उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट नहीं है, जबकि सर्टिफिकेट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। और क्रैश कोर्स में आप जानिए और अपने स्किल को एनहेंस कीजिए। एक तो सर्टिफिकेशन होता है वो केवल ये जानने के लिए कि मैं ये किया था, हाँ, किंतु आपके अपने फील्ड में उस ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बहुत जानना नहीं है, अब कोई कहता है कि मैं केवल इस विषय को कैसे बैलेंस करूं, अब कोई इतना सोचता है कि मैं
उत्साह को कैसे कंटेन करूं और कैसे उसको बढ़ाऊं और कैसे उसको सदुपयोग करूं, माने कंसंट्रेट लेवल्स कैसे बढ़ाऊं। तो ये एक बात हो गया। कोई सोचता है कि मैं स्ट्रीमलाइन कैसे करूं, और तीसरा सोचता है कि मुझ में ये जो एग्रेसिव नेचर है मैं उसको कंटेन कैसे करूं, आत्मानुशासन कैसे बनेगा। और कोई जिसमें एक डिप्रेशन लेवल प्रारंभ होता है, लोनलीनेस प्रारंभ होता है, अथवा उसको महसूस होता है कि ये दुनिया मेरे लिए नहीं है, अथवा चीटिंग हो गया है, अथवा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब छोटे 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 इमोशंस हैं। और इनको, इनके लिए हम कहेंगे कि एमएससी करो, उसके बाद आपका निदान होगा, ये तो बेवकूफी है। मैंने एक को अपने लाइफ में किसी छोटे हिस्से के बारे में जानना है। एक जोश ले आना है, ये कैसे होगा। और कोई सोचता है कि मैं कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कोई सोचता है कि मुझ में ये असंतुष्टि, मैंने एक सेटिस्फेक्शन लेवल इतना कम कैसे है। ये सब जब हम बैलेंस करने लगते हैं, अपने बॉडी के एक्टिविटीज को जब बैलेंस करने लगते हैं, तो हमें एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल आ जाता है। इसके लिए सुबह बैठना है, शाम को बैठना है, हमने जब नियम लगाते हैं, नियम पहले स्थान में आते ही नहीं है। हमने जो कानून प्रारंभ करते हैं कि आपको प्रतिदिन करना होगा, सुबह करना होगा, शाम को करना होगा, वहीं पर आदमी को भटका देता है। एक सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को अभी तुमको छोड़ देना है, यदि कहेंगे तो संभव ही नहीं है। इसलिए उस डिब्बे के ऊपर लिखने के बावजूद लोग पीते हैं, आराम से पीते हैं। तो यहाँ पर वो चलते फिरते अपने काम करते हुए छोटे 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 मॉड्यूल्स में, कोई छोटे छोटे डोसेस में इसको कैसे शरीर के अंदर ले आ सकता है। ये किस एक दिन में इतना बड़ा विराट रूप ले आता है कि वो अपने चेंज को, अपने अंदर होने वाले उन परिवर्तनों को स्वयं व्यक्ति महसूस करने लगता है। अरे पहले का समय होता तो मैं भटक, बेहतरीन चीज बताया कि सिगरेट पीने वाले को बोले कि अभी छोड़ दो तो नहीं छोड़ सकता है। अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं या जो शराब पीते हैं उनको कहा जाए कि आप छोड़ दो, तुरंत तो नहीं छोड़ सके। तो योगा में ये पावर है, योगा में ये शक्ति है, या इस तरह का कोई ऐसा मॉड्यूल या कोई ऐसा क्रैश कोर्स जिसको करके जो अल्कोहलिक हो चुका है या बहुत स्मोकर हो चुका है उसमें सुधार हो सके? आप कंसंट्रेट उसमें मत कीजिए, उसको टारगेट में मत रखिए कि एडिक्शन को हमें दूर कर देना है। आपको कंसंट्रेट इस चीज में करना है कि हाउ कैन यू स्ट्रीमलाइन योर ब्रीथिंग प्रोसेस। हमें लगता है कि ब्रीथिंग प्रोसेस केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, ऐसे नहीं। जहां हम एक शरीर में एक चीज को कंट्रोल करने लगते हैं, ब्रीथ को, वो धीरे 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 उस प्रकार के रिजल्ट्स को ले आता है कि आपके आधे घंटे में जो कार्य करने की ओर आपका मन भाग रहा है, क्योंकि आपका किसी चीज को स्ट्रीमलाइन करना शरीर में वो एक बैलेंसिंग एक्ट है मन के लिए, माइंड के लिए। ये माइंड बैलेंस होगा कहने पर नहीं होगा। आप किसी चीज को चालू कीजिए, खेलते खेलते चालू कीजिए, और वह बैलेंसिंग एक्ट, जहां दिमाग में स्थिरता आया, मन में जहां स्थिरता आया, तो वहां पर व्यक्ति एक सकारात्मक सोच में लगना चालू होता है। तो ये तो एक ट्रायल करके देखने वाली बात है कि तो इस तरह के क्रैश कोर्स चलते हैं आपके यहाँ? क्रैश कोर्सेस अभी निर्माणाधीन है। ये वो निर्माणाधीन उस दृष्टिकोण से है, अब तक यह सहूलियत विश्वविद्यालयों का नहीं था। अब एनईपी आने के बाद इस तरीके के, और जो स्वायत्तता जो मिल रहा है, अटोनमी जो मिल रहा है विश्वविद्यालय को, उसके बाद ये संभव हो गया है। क्रैश कोर्सेस पहले आप विश्वविद्यालय को एक, माने ऐसे लगता था कि आप कुछ क्रैश कोर्सेस चालू करो तो वो बाजार की ओर जा रहा है, बिजनेस की ओर जा रहा है, ये बातें आती थी। अब ऐसी बात नहीं रहा। एक स्वायत्त संस्था, एक अटोनमी से हरा भरा एक विश्वविद्यालय, ये अपने क्रैश कोर्सेस को, जो वास्तव में चार पांच क्रैश कोर्सेस को जब हम मिलाएंगे तो एक मॉड्यूल के रूप में हमें दर्शन दे, और इन सबका जो बंच है वो हमको एक डिप्लोमा का रूप धारण कर ले। तो यहाँ पर डिप्लोमा बेचना दृष्टि नहीं है कि स्लोली स्लोली, मैंने एक इंजेक्ट करने की बात है। हमने पहले व्यक्ति में अपने बॉडी के ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल करना सिखाया, तो ये कंट्रोल उसको जहां शरीर स्थिर हुआ, शरीर की
या एक्टिविटीज से जहां स्थिर हुए वहां पर मन स्थिर होना प्रारंभ कर लेता है, जहां पर मन स्थिर हुआ तो कंसंट्रेशन। तो जो बीएससी है या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा, मेरे ख्याल से सर्टिफिकेट डिप्लोमा में भी अपर एज लिमिट तो नहीं होगा कि इतने उम्र के एज तक ही है, मतलब। विश्वविद्यालय में ऐसे कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अच्छा, मतलब यूजी के लिए भी नहीं है, पीजी के लिए भी नहीं है। ये मतलब इंडियंस बच्चे के लिए अपर एज लिमिट तो होगा, फॉरेन नेशनल के लिए अपर ना लिमिट। ना ना ना, इंडियंस के लिए भी नहीं है। अच्छा, अब वो विशेषाधिकार विश्वविद्यालय के पास रहता है। यदि एज लिमिट ना रहने के कारण यदि उनको कुछ समस्या उत्पन्न हो रहा हो, महसूस कर रहा हो, क्योंकि ये निर्णय विश्वविद्यालय के ऊपर है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में ऐसे कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट अपर एज लिमिट नहीं है। तो ज्ञानार्जन के लिए हर कोई अर्ह है, और उसके लिए जो नियम बताया गया है, जो मापदंड दिया गया है, तो उनके अनुरूप होना चाहिए। तो जो छात्र वहां पे रहते हैं, तो क्या आपका जो कैंपस है देवप्रयाग वो पूरी रेसिडेंशियल है या फिर उसमें आउटसाइड हॉस्टलर्स भी रहते हैं, आउटसाइडर्स भी रहते हैं, दोनों के लिए, या सारे बच्चों का एकोमोडेशन मिल जाता एक छोटा सा शहर है है? और उतने भी मौलिक सुविधाएं वहां पर उस शहर में नहीं है, योग करने के लिए तो परफेक्ट जगह है ना, लोग करने के लिए लोग हिमालय पे जाते हैं। तो वहां पर इसलिए 8 छात्रावास बने हुए हैं, 570 लोगों के लिए रहने का स्थान है। उतना आवश्यकता अब तक नहीं हुआ, किंतु हाँ वहाँ डे स्कॉलर्स भी हैं, बाहर रहने वाले भी हैं, बाहर रहते हुए पढ़ने वाले भी हैं, तो उनमें कुछ स्थानीय हैं और कुछ बाहर रहना पसंद इसलिए करते हैं कि वो नियमों से बंधने की इच्छा नहीं रखने वाले होते हैं, और नियमों से बंधते हुए नियमों के अनुरूप चलने का जब व्यक्ति प्रयास करता है तो योगाभ्यास, योग विज्ञान अथवा ज्ञानार्जन बहुत आसान हो जाता है। अब एक भारतीय छात्रों के लिए तो बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन जो बाहर से छात्र आते हैं भारत में, तो उनको फूड हैबिट्स को लेकर, भोजन को लेकर काफी चिंता रहता है, क्योंकि वो वेज नॉन वेज दोनों पक्ष के में रहते हैं, दोनों खाते भी हैं। तो नॉर्मली कोई बच्चा अगर दूसरे देश से आ रहा है, अगर अपनी नेबरिंग कंट्री छोड़ दे, तो उसको फूड हैबिट्स लेके तो थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसको लगता है कि भाई मैं नॉन वेज खा लूँ तो वो चीज फुलफिल हो जाएगा या उससे मेरा काम चल जाएगा कुछ दिन। तो इस तरीके की व्यवस्था है यहाँ पे कैंपस में, कोई भी बच्चा चाहे भारतीय हो या चाहे फॉरनर से या विदेशी हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ शुद्ध शाकाहारी वेजिटेरियन का नहीं। उस परिसर का एक मौलिक सिद्धांत है सात्विक भोजन। तो फिर जो छात्र वह स्वदेशी हो अथवा विदेशी हो प्रवेश करता है तो उसको अंदर सात्विक भोजन को स्वीकारना है, यह पहले ही बता दिया जाता है। मैं ये हॉस्टल के रूल्स हैं। और उसको बाहर जाके आप ये खा नहीं सकते हैं, ऐसे कोई हमारी पाबंदी नहीं है। और इसमें यदि कभी महसूस करता है व्यक्ति, कुछ समय के लिए बाहर जाने का समय एक निर्धारित होता है, तो उस समय में यदि कोई जाकर अपने रुचि के अनुकूल यदि भोजन ले रहा है तो वो स्वीकार्य है। हाँ, किंतु विद्या के ग्रहण करने के लिए आपको सात्विक रहना होगा और सात्विक आहार का ग्रहण करना होगा, और सात्विक आहार से ही आप में सानुकूल परिस्थितियां आ सकती हैं। हाँ, आप जब तक सात्विक में ही जी नहीं पा रहे हैं, तब तक आप जब जब समय मिलता है, जब जब अवसर मिलता है, आप बाहर अपने अनुकूल भोजन को अपने से व्यवस्था कर सकते हैं, और कुछ दिनों में फिर एक अनुभव होने लगता है। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं कि जो तामस भोजन से सात्विक भोजन की ओर आने वाले, कहीं ना कहीं उनको वह मोड ऐसे लगने लगता है किसी एक प्राणी के प्रति, किंतु हम ये नहीं कहते हैं, एक एक व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर होता है। किसी को ये नहीं कहते हैं कि नहीं आपको ऐसे ही करना है। हाँ, आप इस प्रकार से यदि करेंगे तो आपके लिए उत्तम फल होगा, आप इस प्रकार से करेंगे तो आप एक सानुकूल चल सकते हैं, विश्व में सबसे मजबूत जानवर हो और विश्व में सबसे तेजी से चलने वाले जानवर हो, या अथवा विश्व में सबसे बलशाली जानवर हो, ऐसे बहुत हैं जो शाकाहारी हैं। तो ये प्रकृति बता रहा है, किंतु यदि आप अपने अभ्यास के कारण नहीं कर पा रहे हैं तो वो विश्वविद्यालय के अंदर नहीं हो सकता है, विश्वविद्यालय उस तरीके की व्यवस्था नहीं कर सकता है, किंतु आप
आपके ऊपर व्यक्तिगत रूप से कोई पाबंदियां नहीं होंगे, जब आपको बाहर जाने के लिए एक अनुमति दिया जाता है उस समय में आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी सवाल यहाँ पे ही आएगा कि आपने कहा कि देवप्रयाग एक बहुत छोटा सा शहर है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हमें बताया, उसी के साथ साथ इंडिया के कई ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे बीएससी योगा, एमएससी योगा डिप्लोमा की पढ़ाई बहुत पहले से भी था और बहुतों ने अभी अभी शुरू भी करवा दिया। इसके अलावा बहुत ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भी डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री दे रहे हैं। अब जहाँ कैपिटल में या बड़े शहरों में इस तरह के सेंटर्स हैं, तो उसमें कोई छात्र या जो योग के बारे में जानना चाहता है या पढ़ना चाहता है, राष्ट्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी के जो देवप्रयाग कैंपस है उसको क्यों चूज करें? ये तो बहुत उत्तम प्रश्न है। एक शहर का उदाहरण लेते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमारा दिन निकल जाता है, हम ध्वनि प्रदूषण में फंस जाते हैं, हम शब्द प्रदूषण में, वायु के प्रदूषण में, जल के प्रदूषण में, और हम संघर्ष करते रहते हैं, तो फिर हम समय कब देंगे और हम उस बिंदु पर ध्यान कब देंगे कि एक छोटा सा शहर चुनिए जहां पर चार ही गली हो और जहां पर एक दिन से ज्यादा घूमने का कोई स्थान नहीं हो, और आपको ये पता है कि आपके दायरा इससे ज्यादा आप घूम ही नहीं सकते हैं, तो बहुत स्वाभाविक बात है कि व्यक्ति का दृष्टि अपने कार्य पर रहता है। आपको कहीं ट्रैफिक में फंसना नहीं है, तो आपको उस प्रदूषण से उत्पन्न होने वाले सामान्य जो तकलीफ होता है शरीर में उनसे जूझना नहीं है, तो आपके लिए 1 वर्ष, 2 वर्ष अथवा 6 महीना, ये तो बहुत उत्तम समय होता है कि आप पूर्ण रूप से एनर्जेटिक होकर, हाँ, प्रकृति के ग्रोथ में पूर्ण रूप से आप सामर्थ्य को एकत्रित करके, एनर्जेटिक होकर आप फिर अपने शहरी जीवन की ओर आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो कैंपस है देवप्रयाग, ये भी बात सुनने में आती है और है भी कि कई आईआईटीज के साथ उसके योग को लेके एमओयू साइन हुए हैं और कई ऐसे कोलैबोरेशन में प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो आईआईटी को अपने योग सेंटर से या देवप्रयाग कैंपस के योग सेंटर से जोड़ने के पीछे क्या वजह है? ये तो विश्वविद्यालय के नियम हैं और हमारे कुलपति महोदय का एक दूरदृष्टि है। कुलपति महोदय जी के द्वारा अर्थात इस विश्वविद्यालय के द्वारा 35 MOU, 35 से अधिक MOU आज तक किए गए हैं। उसमें NITs हैं, IITs हैं और अन्य विश्वविद्यालय भी हैं और पतंजलि योग विश्वविद्यालय है, और ऐसे बहुत विचारधाराओं में मिलने जुलने वाले संस्थाओं से MOU किया हुआ है। उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा फिर NEP, छात्रों का आदान प्रदान अर्थात स्टूडेंट एक्सचेंज, अध्यापकों का आदान प्रदान यानी फैकल्टी एक्सचेंज, विचारों का आदान प्रदान यानी आइडिया एक्सचेंज, ये जब होता है तो आपका ग्रो करने का ये जो रेट होता है, स्पीड होता है, वो बढ़ जाता है। मैं क्या बता रहा हूं उसी बात को देश के प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT क्या कह रहा है, NIT में क्या सोच रहे हैं, किसी मॉडर्न यूनिवर्सिटी में क्या सोच रहे हैं, जब इस प्रकार के परिवेश समय समय पर यदि छात्रों को मिलता है और समय समय पर यदि अध्यापकों को मिलता है, उसी प्रकार से उन एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशंस के अध्यापकों को एक परंपरागत जो भारतीय ज्ञान परंपरा के संवाहक और अधिकारी के रूप में देखा जाता है संस्कृत विश्वविद्यालयों में, उनको जब देखने को मिलता है तो एक संगम होता है, विचारों का संगम और दृष्टिकोण का संगम, तो ये वास्तव में आधारशिला को और मजबूत कर देता है। बहुत, जो आपने MSc या BSc का जो कोर्स चलाया, अब बच्चों के दिमाग में एक चीज और आएगा क्योंकि कि एक संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्र है, संस्कृत की पढ़ाई होती होगी जहाँ पे वेद, व्याकरण, साहित्य, मीमांसा इस तरह की पढ़ाई होती होगी, और अभी तक जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से हम लोग के ऊपर लादा गया,
उसमें संस्कृत को काफी नीचे बताया गया, और संस्कृत पढ़ने वाले को या संस्कृत जानने वाले को सिर्फ ये माना गया कि वो समाज में पूजा करा सकते हैं, या कहीं पे हाथ दे सकते हैं, शादी विवाह करा सकते हैं, या जन्म कुंडली बना सकते हैं। तो वैसे इंस्टीट्यूशन में एक ऐसे कोर्स का कंसेप्ट लाना, और उस कंसेप्ट को ही नहीं लाना बल्कि देश या विदेश के जितने भी टेक्नोलॉजिकल अच्छे बेस्ट इंस्टीट्यूशन है उसके साथ एमओयू करना, तो बच्चे के दिमाग में ये बात तो आएगी ना भाई कि संस्कृत यूनिवर्सिटी है। जब मेरे पास मॉडर्न यूनिवर्सिटी में ही योग की पढ़ाई हो रही है तो हम संस्कृत में क्यों जाएं? इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? एक रूढ़िवाद है, अर्थात सदियों से हम संस्कृत को, संस्कृत विज्ञान को एक भाषा के रूप में अथवा एक पंडिताई के भाषा के रूप में जहां देख रहे हैं, उसमें अचानक परिवर्तन संभव नहीं है। वह धीरे धीरे परिवर्तन होगा। इसी कारण से एनईपी में जो सहूलियत दिया गया है कि उसके आधार पर एमएससी और बीएससी जो प्रारंभ किया गया था। और दूसरी बात, संस्कृत के छात्र को भी इस रूढ़िवाद से बाहर आना है। ज्ञान विज्ञान के सभी शाखाएं संस्कृत में पहले से ही हैं। संस्कृत एक माध्यम रहा वहां पर, वास्तव में संस्कृत वाङ्मय, मैंने संस्कृत लिटरेचर, इन सभी विज्ञानों का समाहार है। अब ये बात अचानक लोगों को कहने पर समझ में नहीं आता है। ये संस्कृत का छात्र बाहरी लोगों को समझाने में सफल जिस दिन हो गए, तभी यह हो सकता है। ये बहुत हद तक हो भी रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा के केंद्र बहुत स्थानों में बने हुए हैं और वहां पर भी यह प्रयास किया जा रहा है। अखंड वेद का, जिसकी सीमाएं ही नहीं है, वहां के एक एक मंत्र का वहां पर उद्धरण देते हुए आधुनिक विधा के लोग भी ये महसूस करते हैं कि हमें बहुत जानने को है। और जे आज तक जितने आविष्कार हुए हैं उनमें जिन लोगों की भूमिका रही, उनमें अधिकांश लोगों का ये मानना है कि संस्कृत भाषा को ना जानने के कारण वो संस्कृत में बताए गए उन वैज्ञानिक तथ्यों को, माने उसके मूल तत्व तक जा नहीं पाए। ऐसे बहुत ये लोग, भी कई जगह पढ़ने को मिलता है। जब कंप्यूटर का आविष्कार हो रहा था तो उसकी भाषा को लेकर काफी समस्याएं थी, तो भाषा में संस्कृत को ही लिया गया कि संस्कृत दुनिया का सबसे बेस्ट भाषा है, लेकिन उसमें इसलिए नहीं बन पाया कि जो बनाने वाले थे उनको संस्कृत नहीं आ रहा था। इसकी सच्चाई क्या है? जब तक एक पीढ़ी उस सकारात्मक दृष्टि से उसमें अभ्यास नहीं करेगा, अभी अनेक विशेषज्ञ हैं किंतु ये उद्यम नहीं है, एक रिवॉल्यूशन हो, दोनों के सम्मिश्रण के साथ चलने की चेष्टा हो, और संस्कृत के छात्रों को अंग्रेजी पढ़ने से अथवा कंप्यूटर्स पढ़ने से परहेज ना हो, और वो भी उतने रुचि के साथ उसमें चले, तो ये तो संभव है। ये रिवॉल्यूशन तो बहुत पहले चालू हुआ है, किंतु अब वो उतना विस्तृत रूप, विस्तृत धरा भी नहीं लिया हुआ है, और अब संभव है आने वाले दिनों में यह संभव है। किंतु इसके लिए पढ़ने वाले छात्र का दृष्टि अर्ली मनी इजी मनी नहीं रहना चाहिए। बीच के कुछ पीढ़ियों के लिए ये शाप हो गया, मैं केवल प्लस टू करूं, मैं नियुक्त तो हो जाऊं, मैं केवल कमाने लगूं, जब कमा तो रहा हूं, मुझे क्यों पढ़ना है। इस तरीके के दृष्टिकोण से पढ़ाई को देखना नहीं चाहिए। पढ़ाई एक निरंतर प्रयास है, इसलिए अब भारत में भी डिस्टेंस एजुकेशन को, घर में बैठ के पढ़ने की एजुकेशन को, ऑनलाइन कोर्सेज को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। व्यक्ति में वह, क्योंकि व्यक्ति में वह जिज्ञासा ले आना है। आप काम करते हुए पढ़ सकते हो, आप कमाते हुए पढ़ सकते हो, आपके कमाई का और पढ़ाई का कोई संबंध नहीं है। आप और में उससे कोई इसका भी संबंध नहीं। आपको एक आत्मसंतुष्टि और आपके कार्य में निपुणता, आपके वर्क में क्वालिटी, और आपके अंदर एक आइडियाज, नए नए विचारों का अथवा नए नए आइडियाज का उत्पन्न करने के लिए पढ़ाई को निरंतर जारी रखना चाहिए, आखिरी बिंदु तक जारी रखना चाहिए। ये पहले चलता था, अब वह फिर समय आ गया है। जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करना चाहते हैं डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि भाई एजुकेशन का मतलब सिर्फ जॉब नहीं होता है, कैरियर नहीं होता है, समाज में आप क्या सुधार ला सकते हैं, प्रकृति में क्या आप दे सकते हैं, प्रकृति को क्या दे सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, लेकिन इस सब के अलावा एक जो फाइनेंशियली एस्पेक्ट्स होते हैं कि अगर हम इस कोर्स को कर लेते हैं तो इस कोर्स के करने के बाद मेरा कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं,
वो क्या देश या विदेश, मतलब डोमेस्टिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, उसके करियर ऑप्शंस क्या क्या खुल सकते हैं, कितने आयाम उसके करियर के लिए बन सकते हैं? पढ़ाई आत्मसंतुष्टि के लिए होता है, इतने कहने से पेट नहीं भरता है। पढ़ाई आत्मसंतुष्टि के लिए होता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। इसके साथ साथ इसको मार्केटिंग करने की भी आवश्यकता होती है। आपको सरकारी सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, इंडिविजुअल लेवल पे एक छोटा उद्योग प्रारंभ करने की दृष्टि से, अथवा बड़े उद्योगों में आप अपना बैकअप के दृष्टि से जितने भी आयाम हो सकते हैं उन सबको ढूंढ सकते हैं। आज के समय में व्यस्त जीवन जो बिता रहे हैं उन सबको एक ट्यूटर की आवश्यकता है, एक योगिक इंस्ट्रक्टर की आवश्यकता है, एक मानसिक रूप से सांत्वना देने के काउंसलर की आवश्यकता है। और डिमांड वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही है, तो इसलिए इस सेक्टर को हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि केवल ज्ञान को जानने के लिए, ज्ञानार्जन के लिए एक सेक्टर है। तो यहाँ पर व्यक्ति स्वयं को कैसे पब्लिसाइज कर पाता है, स्वयं को कैसे वो मार्केटिंग कर सकता है, अथवा मार्केटिंग करने वालों के सहारा कैसे ले सकता है। अर्थात मैं पढ़ रहा हूँ, मैं स्वयं का मार्केटिंग करने कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे पढ़ने वालों के मार्केटिंग करने वाले भी लोग हैं, उनमें भी एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए, उनको भी इस दृष्टिकोण से देना चाहिए। आज के समय में काउंसलर्स को सप्लाई करने वाले बहुत ऐसे कंपनी हैं, इसी तरह के योगिक इंस्ट्रक्टर्स को सप्लाई करने वाले हैं। आजकल हर एक सेक्टर को स्ट्रीमलाइन करने वाले, एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करने वाले, आउटसोर्स करने वाले, तो तरह तरह के विधायें आए हुए हैं। तो इसलिए कोई एंटरप्रेन्योर हुआ, अर्थात कोई अपने संस्था रखा, तो कोई उस संस्था का अंग बना, कोई बड़ा संस्था बनाया, कोई उसका संस्था के आवश्यकताओं को पूरा कर पाया। तो इस तरीके के मल्टीपल डायमेंशंस हैं जहां पर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका प्रयोग कर सकता है। कोई केवल एम्प्लॉय बनने की अपने सामर्थ्य महसूस कर रहा है, एम्प्लॉय बने। किसी को एम्प्लॉयर बनने का सामर्थ्य है, एम्प्लॉयर बने। किसी को सर्विस प्रोवाइडर लोकल लेवल पे करने के सामर्थ्य है, सर्विस प्रोवाइडर बने। किसी को नेशनल लेवल पे बड़े बड़े संस्थाओं को सर्विस प्रोवाइड करने के सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य करें। यहाँ पर केवल व्यक्ति में एक दृष्टि होनी चाहिए और अपने पास एक स्किल होने चाहिए। तो पूरे विश्व में इस समय में स्किल का अभाव है, निपुणता का अभाव है, डिमांड की कोई अभाव नहीं है। डिमांड हो, फिर उस डिमांड के अनुरूप जो ह्यूमन रिसोर्सेस बन रहे हैं उसको मार्केटिंग करने के लिए तमाम संस्थाएं पड़े हुए हैं और उनका सहयोग ले सकते हैं। बस अत आप उसके लिए कैपेबल हो, आप में उस क्षमता हो। सोना को फेंका हुआ कोई देखता नहीं है, क्योंकि सोने का एक वैल्यू दुनिया पहचानती है। इसी तरह टैलेंट हंट चलता ही है इस दुनिया में। इस समय सबसे ज्यादा यदि बड़े बड़े संस्थाएं अथवा विश्वविद्यालय अथवा सरकार यदि झूंझते हैं तो स्किल है। इसलिए स्किल डेवलपमेंट के लिए हब्स बनाते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरणाएं देते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए फ्रीबीज, आप आओ पढ़ो। इस समय में नेशनल लेवल पे जो स्किल डेवलपमेंट जो होता है तो वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। किस कारण से? क्योंकि व्यक्ति हमको मिलने वाला, मानव संसाधन हमको मिलने वाला, वो स्किल से भरा हुआ नहीं है। और जब तक स्किल से भरा हुआ नहीं, भरेगा नहीं, तब तक वो बिखर के जगह जगह में जा नहीं सकता है और किसी का काम का नहीं हो सकता है। तो इसलिए आप में स्किल हो, आप में टैलेंट हो और आप में अपने ऊपर विश्वास हो, माने एक फिजिकली एंड मेंटली स्टेबिलिटी हो जो योग विज्ञान से ही संभव है, तो आप कितने भी दूर जा सकते हैं, इंसान कुछ भी कर सकता है। हम लोगों ने इस पूरे वीडियो में ये जानने की कोशिश किया कि योग क्या है, ऐसी चीजें जो आपके अभी तक पता नहीं योग के बारे में, और उससे अगर संबंधित आपको अगर आगे स्टडीज करनी है, पढ़ाई करनी है, तो कैसे कैसे हो सकता है। और हमारे जो गेस्ट थे, जाने माने विद्वान हैं और डायरेक्टर भी हैं, इन्होंने अपना पक्ष रखा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और अगर पहली दफा इस चैनल पे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाइए, जिससे हम इस तरह से तमाम तरह के जो गेस्ट हैं
और जो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाया है उसको पहुंचाने में मैं सफल हो पाऊं। और आपने इस वीडियो को देखा, सुना और शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।